हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर। ओके, बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दिस इज़ अ कार्बन टाइप रेसिस्टर और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर बैंड रेसिस्टर के बारे में। वैसे तो थ्री बैंड रेसिस्टर भी होते हैं, फाइव बैंड भी होता है, सिक्स बैंड भी होता है, बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है फोर बैंड रेसिस्टर के बारे में। एंड फोर बैंड रेसिस्टर ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए हम फोर बैंड रेसिस्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, दिस इज़ अ फोर बैंड रेसिस्टर। इसका बैंड ए यानी कि फर्स्ट बैंड ये है, इसका हम नाम देते हैं ए। दिस इज सेकंड बैंड जिसका नाम हम देते हैं स्मॉल बी, एंड दिस इज़ द थर्ड बैंड स्मॉल सी। ओके, एंड दिस इज़ द फोर्थ बैंड एंड द लास्ट बैंड इज़ बैंड डी। ओके, देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये तीनों बैंड, बैंड ए बी और सी, ये तीनों एक साथ हैं और बैंड डी बिल्कुल लास्ट में है, या फिर इन तीनों बैंड से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि बैंड ए बी और सी कौन सा है। ओके, देखते हैं अब इन चारों बैंड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टेटमेंट वन को रीड करिए, ये कहता है कि फर्स्ट थ्री बैंड्स, बैंड ए बी एंड सी, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस। यानी कि जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है नॉर्मल, सपोज 1 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 22 kilo ohm, वो इन्फॉर्मेशन आता है बैंड ए बी और सी से। ओके, और जो लास्ट बैंड है फोर्थ बैंड डी, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉलरेंस ऑफ द रेसिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू है 15 ohm प्लस माइनस 2%, ओके, तो ये जो 15 ओम है, दिस इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, सो ये आएगा बैंड ए बी और सी से। एंड ये जो प्लस माइनस 2% गिवन है, दिस इज़ द टॉलरेंस वैल्यू, इसके बारे में हमें बैंड डी से पता चलेगा। ओके, और इसलिए हम यहाँ पर डी के साथ लिख सकते हैं कि दिस इज़ टॉलरेंस वैल्यू, दिस इज इन परसेंटेज। ओके, बैंड ए एंड बी दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमें रेसिस्टर की डिजिट के बारे में पता चलता है, एंड सी इज मल्टीप्लायर। ओके, यानी कि यदि हम इस चार बैंड की हेल्प से रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू 10 to the power c प्लस माइनस डी परसेंटेज। ओके, तो बैंड ए और बैंड बी ये दोनों पे जो भी डिजिट होगा, ये टू डिजिट वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, एंड उसके साथ हम 10 to the power c से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी इज़ द वैल्यू ऑफ दिस बैंड, थर्ड बैंड। ओके, एंड डी इज द टॉलरेंस वैल्यू। ओके, नाउ यहाँ देखिए, दीज आर डिफरेंट कलर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ए और बी की वैल्यू हमें इस टेबल से मिल जाएगी, हियर 0 to 9, जहाँ पे ब्लैक कलर के लिए 0, ब्राउन कलर के लिए 1, रेड कलर के लिए 2, ऑरेंज कलर के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट कलर के लिए 9। ओके, तो इनमें से कोई भी कलर्स यदि फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड पे हों, यानी कि पोजीशन ए और बी पे हों,
तो उनकी वैल्यू आप इस तरीके से लिखोगे अकॉर्डिंग टू द कलर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ सी के लिए हम फिर से इसी टेबल को फॉलो करेंगे और सेम वैल्यूज बैंड सी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो 0 to 9 यहाँ पर लिखा हुआ है एंड दो और भी वैल्यूज हैं बैंड सी के लिए विच इज रिटन हियर, गोल्ड के लिए -1, सिल्वर के लिए -2। यानी कि यदि बैंड सी पर कहीं गोल्ड हो तो हम 10^-1 लिखेंगे और यदि सिल्वर हो तो हम 10^-2 लिखेंगे। ओके, तो ए बी और सी की वैल्यू क्लियर हो चुकी है। अब है टॉलरेंस वैल्यू की बारी, जो कि हमें देगा फोर्थ बैंड डी। ओके, तो यदि फोर्थ बैंड पे ब्राउन कलर हो तो टॉलरेंस होगा +-1%, रेड कलर हो तो +-2%, गोल्ड हो तो +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, और यदि कोई भी कलर मेंशन नहीं हो तो +-20%। ओके, लेकिन अगर लास्ट बैंड में ब्लैक हो तो जैसा कि आपको पता है ब्लैक कलर के लिए ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 है। यदि लास्ट बैंड में ब्लैक कलर हो तो वहाँ भी हम 0 टॉलरेंस लिख सकते हैं। ओके, जनरली 0 टॉलरेंस का क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है, तो इस वजह से हमें फोर्थ बैंड में कुछ इस तरह के कलर दिखाई देंगे। ओके, चूंकि टेबल नंबर 1 में बहुत सारे कलर्स हैं तो इन सब को 0 to 9 याद रखना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक जिसकी वजह से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। तो यहाँ से सारे कलर्स का फर्स्ट लेटर आप चूज करिए, यानी कि यहाँ से बी एंड दिस इज बी, दिस वन इज रेड, दिस इज ओ, दिस इज वाई, दिस इज जी, दिस इज बी एंड हियर वी, फ्रॉम हियर जी एंड फ्रॉम हियर डब्ल्यू। ओके, तो इन सब को अगर आप नोट करेंगे तो इन कलर्स को याद करने का तरीका यहाँ से देखिए, दिस इज बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। यहाँ पर दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक एंड दिस बी इज ब्राउन, दिस आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ओके, यहाँ से जी फॉर ग्रीन, उसके बाद यहाँ से B फॉर ब्लू लिखिएगा, फ्रॉम हियर V फॉर वायलेट एंड G फॉर ग्रे एंड द लास्ट वन इज W फॉर वाइट। तो इस तरीके से आप टेबल 1 को इजीली याद रख सकते हैं। ओके, इसके साथ ही आपको यह फॉर्मूला R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10^C +-D%, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा C की दो और वैल्यू, गोल्ड के लिए -1, सिल्वर के लिए -2, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और फिर D की वैल्यू के लिए आप रेड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये तीन वैल्यू आप याद रख लीजिए। रेड के लिए +-2%, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, दैट इज सफिशिएंट। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यह एक 4-बैंड रेसिस्टर है जिसमें कि 3 बैंड एक दूसरे के करीब हैं और चौथा बैंड बिल्कुल दूर में है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि दिस इज बैंड ए, दिस इज बैंड बी, दिस इज बैंड सी एंड दिस वन इज बैंड डी। ओके, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10^C +-D%। ओके, ए और बी को हम एक साथ रखेंगे। ए में कौन सा कलर है? दिस इज ब्राउन कलर। ओके, बी में है ब्लैक, सी में है गोल्ड कलर और डी में भी है गोल्ड कलर। तो ब्राउन कलर के लिए हम लिखेंगे 1, ब्लैक कलर के लिए लिखते हैं 0, सी बैंड में गोल्ड कलर है यानी कि इसके लिए लिखेंगे हम -1, और डी बैंड में जो गोल्ड कलर है ये टॉलरेंस शो करता है और गोल्ड के लिए टॉलरेंस है +-5%। ओके, तो अब आप यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखिए। R विल बी इक्वल टू ए बी
ए क्या है 1, बी क्या है 0, यानी कि हम लिखेंगे 1 0 इंटू 10 to the power c, c की वैल्यू है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर प्लस माइनस, डी क्या है 5%, तो दिस इज प्लस माइनस 5%, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 10 × 0.1 प्लस माइनस 5%, दैट मीन्स दिस इज 1 ohm रेसिस्टर विथ टॉलरेंस ऑफ 5%, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इस फिगर में जो रेसिस्टर गिवन है उसमें बैंड ए इज दिस, दिस इज बैंड बी, दिस वन इज बैंड सी एंड दिस इज द बैंड डी, ओके। बैंड ए में शो किया हुआ है रेड कलर, बैंड बी में भी है रेड कलर, बैंड सी में है ब्राउन कलर और बैंड डी में है गोल्ड कलर, ओके। तो रेड कलर के लिए हम लिखते हैं 2, यानी कि ए की जगह पे लिखोगे 2, बी की जगह पे भी लिखोगे आप 2, सी की जगह पे ब्राउन है इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 1 और डी की जगह पे आप लिखोगे प्लस माइनस 5%, ओके। तो हम देखते हैं रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। रेसिस्टेंस की वैल्यू विल बी ए बी इंटू 10 to the power c प्लस माइनस 10%, ओके। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे ए के लिए 2, बी के लिए भी 2, मल्टीप्लिकेशन विथ 10 to the power c के लिए 1 एंड प्लस माइनस डी के लिए 5%, ओके। तो यहाँ से आपको मिलेगा 220, यानी कि 220 ohm प्लस माइनस 5% ऑफ टॉलरेंस, ये होगा इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिस इज बैंड ए, दिस इज बैंड बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज बैंड डी। कलर ऑफ बैंड ए इज ऑरेंज, बी का कलर है ऑरेंज, सी का कलर है ब्राउन और डी का कलर है गोल्ड, ओके। तो टेबल नंबर 1 से जहाँ पे आपने देखा था बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, उस वाले टेबल से आप देखोगे ए की वैल्यू ऑरेंज कलर के लिए तो ये है 3, ऑरेंज कलर के लिए बी की वैल्यू दिस इज ऑल्सो 3 और ब्राउन कलर के लिए सी की वैल्यू इज 1 एंड गोल्ड के लिए डी की वैल्यू इज प्लस माइनस 5%। यहाँ से आप जो रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे वो कुछ इस तरह से आप लिखोगे, ओके। सो वी कैन राइट इट एज ए को लिखेंगे हम 3, बी को भी हम लिखेंगे 3 एंड मल्टीप्लिकेशन विथ 10 to the power c, सी को हम लिखेंगे 1 एंड दिस इज प्लस माइनस 5%, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी 330 ohm प्लस माइनस 5% ऑफ टॉलरेंस, ओके, दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इस रेसिस्टर में यह है बैंड ए, दिस इज बैंड बी, दिस वन इज बैंड सी एंड दिस इज बैंड डी। बैंड ए का जो कलर इसमें है दैट इज ब्राउन, बैंड बी का जो कलर है दैट इज ब्लैक, बैंड सी का जो कलर है दैट इज ऑरेंज, बैंड डी का जो कलर है वो सिल्वर है। सो ब्राउन कलर के लिए ए की वैल्यू है 1, ब्लैक कलर के लिए बी की वैल्यू 0 एंड ऑरेंज कलर के लिए 3। जब आप टॉलरेंस वाले टेबल में देखोगे तो सिल्वर के लिए डी की वैल्यू है प्लस माइनस 10%। तो अब आप इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 to the power c प्लस माइनस डी परसेंट, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 0 एंड मल्टीप्लिकेशन विद 10 to the power c की जगह पे आप लिख सकते हो 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है एंड प्लस माइनस डी की जगह पे आप लिखोगे 10%। यहाँ से आप कह सकते हो कि इस रेसिस्टर की जो वैल्यू है दैट इज 10 kilo ohm एंड टॉलरेंस इज प्लस माइनस 10%, ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिस इज बैंड ए, दिस इज बैंड बी, दिस वन इज बैंड सी एंड दिस इज बैंड डी. ओके, बैंड ए में कौन सा कलर है? दिस इज रेड कलर. बैंड बी में भी रेड कलर है. बैंड सी में ऑरेंज कलर है और बैंड डी में गोल्ड कलर है. तो रेड कलर के लिए आप क्या लिखते हो? 2. फिर से रेड कलर के लिए 2, ऑरेंज के लिए आप लिखते हैं 3, गोल्ड के लिए आप टॉलरेंस टेबल से लिखोगे ±5%. इसलिए यहां से आप लिखोगे रेसिस्टेंस की वैल्यू आर ए बी इंटू 10^c ±d%. यानी कि आप यहां से लिखोगे ए की जगह पे 2, बी की जगह पे भी 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन विथ 10^c, यानी कि सी की जगह पे 3 लिखोगे, फिर ±5%. यानी कि यहां से आप ये कह सकते हो रेसिस्टेंस की वैल्यू 22 kΩ है, जबकि टॉलरेंस है ±5%. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवेन हो और कलर का कॉम्बिनेशन पूछा हो. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को. इसमें कहता है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू है 82 kΩ एंड टॉलरेंस है ±5%. तो यहां से आप कह सकते हो कि 82 kΩ के लिए 82 × 10^3 लिखेंगे आप एंड टॉलरेंस के लिए ±5%. ओके, यहां से आप कहोगे कि दिस इज वैल्यू ऑफ बैंड ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बैंड बी एंड दिस 3 इज वैल्यू ऑफ बैंड सी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बैंड डी. ओके, तो फर्स्ट टेबल से आप ये बताइए कि किस कलर के लिए ए की वैल्यू 8 है. तो आप कहोगे कि कलर इज ग्रे. ओके, किस कलर के लिए बी की वैल्यू 2 होगी? तो कलर होगा रेड. किस कलर के लिए सी की वैल्यू 3 है? तो वो कलर होगा ऑरेंज. ओके, और किस कलर के लिए डी की वैल्यू ±5% है? तो वो कलर होगा गोल्ड. ओके, तो कलर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आया. इसको आप इस रेसिस्टर में ऐसे लिखोगे कि दिस इज फर्स्ट बैंड जिसका कलर होगा ग्रे एंड दिस इज सेकेंड बैंड जिसका कलर है रेड एंड दिस इज थर्ड बैंड जिसका कलर है ऑरेंज एंड दिस इज द लास्ट बैंड फोर्थ बैंड जिसका कलर है गोल्ड. ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है 15 ओम. इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 15 ओम. यानी कि आप 15 ओम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 15 × 10^0. यहां से आप देख के बता सकते हैं दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड दिस 0 इज वैल्यू ऑफ सी. तो टेबल से आप हमें बताएं कि किस कलर के लिए ए की वैल्यू 1 है? तो आप कहोगे कि दिस इज ब्राउन कलर. किस कलर के लिए बी की वैल्यू 5 होगी? तो आप बताओगे कि कलर इज ग्रीन. और किस कलर के लिए सी की वैल्यू 0 है? तो आप कहोगे ब्लैक कलर. ओके, चूंकि इस क्वेश्चन में टॉलरेंस के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम फोर्थ बैंड में ब्लैक लिख देंगे. ब्लैक शो करता है 0. सो हम कह सकते हैं कि इस 15 ओम के रेसिस्टर में जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. फर्स्ट बैंड के लिए ब्राउन, सेकेंड बैंड ग्रीन, थर्ड ब्लैक एंड फोर्थ बैंड इज ऑल्सो ब्लैक. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. इसमें गिवन है रेसिस्टेंस की वैल्यू 3.5 ओम ±5%. 3.5 ओम को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि 35 × 10^-1 और टॉलरेंस है ±5%. यानी कि यहाँ से दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस -1 इज सी एंड दिस 5% इज डी. यानी कि
किस कलर के लिए ए की वैल्यू 3 है, तो आप कहोगे द कलर इज ऑरेंज। किस कलर के लिए बी की वैल्यू 5 है, तो आप कहोगे कि द कलर इज ग्रीन। और किस कलर के लिए सी की वैल्यू -1 है, तो आप कहोगे कि द कलर इज गोल्ड। और किस कलर के लिए डी की वैल्यू ±5% है, तो भी आप कहोगे टॉलरेंस बैंड के लिए गोल्ड कलर में ±5% होता है, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन इज ऑरेंज, ग्रीन, गोल्ड एंड गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।